थाना लोनी के अशोक विहार चौकी के अंतर्गत वर्धमान कॉलोनी फेज टू में कल एक प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आया, जिसमें एक मकान में तोड़फोड़ और धार्मिक पुस्तकों को बिखेरने का प्रकरण था। पुलिस ने इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया था और इसके अनावरण के लिए तत्काल ही टीमों का गठन कर दिया था। उस क्रम में आज 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसमें मिर्जा, फिरोज और मंकित। ये 3 लोगों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि चूंकि ये प्लाट विवादित था और ये मतलूब और इंतज़ार, इन दोनों में इसको लेकर के काफ़ी समय से विवाद चला आ रहा था। मतलूब ने इस प्लाट को 2 लोगों को बेच रखा है, इंतज़ार को और असद को। असद इस समय उस प्लाट पर काबिज था और इंतजार इस प्लाट का सौदा मंकित उर्फ मोंटू से कर दिया था 7.5 लाख रुपए लेकर के, कि जब वो कब्जा हो जाएगा तो बाकी पैसे मुझे दे देना। कल उसी क्रम में मंकित ने अपने अन्य साथियों, जिसमें कि फिरोज़, मिर्ज़ा, आज़ाद और कपिल, इन साथियों के साथ वहां आया और उसने कब्जा करने की नीयत से तोड़फोड़ की उसमें। उसी क्रम में जब सेल्फ को उन्होंने हटाया था तो अंदर धार्मिक पुस्तकें रखी हुई थी, वो पुस्तकें बिखर गई थी। इसमें उनके अन्य साथियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरे भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिलती रहे। वीडियो संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।